आपको अपना यहाँ पे सिग्नेचर करना है, ठीक है। तो अपना सिग्नेचर यहाँ पे कर दो, ठीक है। और अगर आपको सिग्नेचर करना नहीं आता है, अगर आप जो है अपना फिंगरप्रिंट देते हैं, तो आप यहाँ पे अपना अंगूठे का ठप्पा लगा देना, अगर पढ़े लिखे नहीं है तो। हाय गाइस, स्वागत करता हूँ आपका फिर से एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं विड्रॉल फॉर्म कैसे भरें SBI का, यानी हाउ टू फिल विड्रॉल फॉर्म इन SBI। देखो, अगर आपका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है और जब आप वहां से अपना पैसा निकालने जाते हैं, तो बैंक वाला ना आपको एक ऐसा फॉर्म देता है जिसको आपको भरना होता है, जब जाके आपको पैसे मिलते हैं। लेकिन आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको या तो ये फॉर्म भरना नहीं आता, या तो इस फॉर्म को भरने में गलती कर देते हैं। तो अभी मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा कि इस फॉर्म को प्रॉपरली आपको भरना कैसे है सही तरीके से। तो चलो मेरे साथ इस वीडियो का एंड तक देखते हैं और समझते हैं पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले जो है आप बैंक में चले जाओ एंड वहां पे बोलो भैया मुझे पैसे निकालना है, तो आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। उसके बाद आपको इसको भरना है। कैसे भरना है आओ देखते हैं। तो गाइस, आप बैंक में आ चुके हैं और आपने जो है ये फॉर्म ले लिया है और आपको अपने अकाउंट से पैसे निकालने हैं, तो अब आपको इसको भरना है। तो सबसे पहले देखो, यहां पे ना आपको ब्रांच पूछ रहा है, तो आपको अपना ब्रांच यहां पे डाल देना है, ठीक है। उसके बाद ब्रांच डाल दो। ब्रांच डालने के बाद देखो यहाँ पे पूछ रहा है पैसे कैसे निकालना है, पासबुक के थ्रू, तो हाँ पासबुक के थ्रू निकालना है। तो पासबुक आप यहाँ पे टिक कर दो और पासबुक आपके साथ में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको डेट डालना है जिस दिन आप अपना पैसा निकाल रहे हैं। तो मान लो कि आज 1 अप्रैल 2004 है, तो सिंपली से आप यहाँ पे 1/4/2022, और इस फॉर्म को आप हिंदी या इंग्लिश किसी में भर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखो नीचे में क्या है, यहाँ पे लिखा है खाता धारकों का नाम, यानी नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, तो आप यहाँ पे अपना नाम डाल दो, ठीक है। यहाँ पे अपना नाम डाल दो पूरा, जो भी आपके पासबुक में है। उसके बाद नीचे क्या करना है, देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बोल रहा है, यह फॉर्म चेक नहीं है, केवल खाता धारकों के भुगतान के लिए। दिस फॉर्म इज नॉट अ चेक पेबल टू अकाउंट होल्डर्स ओनली, सिर्फ अकाउंट होल्डर्स को ही इस फॉर्म के थ्रू पैसे मिलेंगे, ये फॉर्म कोई चेक नहीं है। तो इसके लिए आपको अपना पासबुक साथ में होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो आपको अकाउंट नंबर डालने के लिए बोल रहा है, तो आप यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डाल दो जो भी आपके पासबुक में है, तो आप पासबुक में देख लो एंड देख के यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर फिल कर दो, ठीक है। चलो पासबुक डालने के बाद अब देखो ये यहाँ पे पूछ रहा है रुपीज़, यानी कि आपको जो है कितना पैसा निकालना है अपने अकाउंट से। तो मान लो कि मुझे 5,000 निकालना है, तो उसको यहाँ पे वर्ड्स में लिखना है 5, ठीक है, 1000 ओनली, बस 5000 ओनली हमने लिख दिया। उसके बाद यही पैसे को आपको यहाँ पे नंबर्स में लिखना है, ठीक है, 5000 ओनली, ठीक है, ओके, यहाँ तक हो गया काम। अब देखो नीचे क्या बोल रहा है, पैन नंबर, तो पैन कार्ड नंबर कब डालना होगा, अगर हम 50,000 या 50,000 से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन करते हैं, ये निकालते हैं, तो आपको पैन का नंबर यहाँ पे डालना होगा। लेकिन हम तो 5,000 निकाल रहे हैं, तो हमको जो है यहाँ पे पैन नंबर डालने का कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको जो है अपना मोबाइल नंबर डालना है, तो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डाल दो अपना, जो भी आपका मोबाइल नंबर है, ठीक है। तो अपना मोबाइल नंबर पूरा डाल दो, जैसे कि मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिया। उसके बाद देखो यहाँ पे बोल रहा है होम ब्रांच, ठीक है, तो होम ब्रांच जो भी है तो आप अपना होम ब्रांच डाल दो, डाल सकते हैं। उसके बाद होम ब्रांच डालने के बाद देखो नीचे क्या लिखा है, कार्यालय के उपयोग हेतु, इसका यानी कि फॉर ऑफिस यूज, तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, ये बैंक वाला का काम है, ये बैंक वाला यहाँ पे देख लेगा। उसके बाद अब आपको क्या करना है, इस साइड में यहाँ पे देखो लिखा है खाता धारक का हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर ऑफ द अकाउंट होल्डर, आपको अपना यहाँ पे सिग्नेचर करना है, ठीक है। तो अपना सिग्नेचर यहाँ पे कर दो, ठीक है। और अगर आपको सिग्नेचर करना नहीं आता है, अगर आप जो है अपना फिंगरप्रिंट देते हैं, तो आप यहाँ पे अपना अंगूठे का ठप्पा लगा देना, अगर पढ़े लिखे नहीं है तो, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे हमने अब इस फॉर्म को पूरा भर दिया है। अब पीछे देखो, अब पीछे में क्या करना है, तो बेसिकली यहाँ पे बोल रहा है केस डिटेल, अगर मान लो आपको पैसे निकालना है जिसमें से आपको 2000 का कितना नोट चाहिए, 500 का कितना नोट चाहिए, 200 का कितना नोट चाहिए, वो यहाँ पे नंबर डाल सकते हैं। जैसे कि मान लो कि 5000 निकालना है, तो 2000 का दो नोट चाहिए, 500 का कितना हो गया, 4000 हो गया, ठीक है। उसके बाद 500 का मुझे कितना चाहिए, दो चाहिए, तो कितना हो गया, 1000 हो गया, तो यहाँ टोटल कितना हो गया, 5000 हो गया,
लेकिन एक्चुअली मैं इतना कोई फॉर्मेलिटी करता नहीं है, बैंक के पास जो भी पैसा होता है वो उतना गिन के दे देता है। खैर छोड़ो, ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि आपको इसके पीछे में सेम जो आपने यहाँ पे जो सिग्नेचर किया था ना, ये सेम सिग्नेचर आपको यहाँ पीछे में दो बार करना होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मान लो, जैसे पहला सिग्नेचर आपने यहाँ पे कर दिया, दूसरा एक और सिग्नेचर कर दो यहाँ पे, बैंक इसको मिलाता है कि आपका सिग्नेचर है या फिर नहीं, ठीक है। दो सिग्नेचर आपने यहाँ पे कर दिया, इस तरह से कर दो। अगर आप सिग्नेचर नहीं करते हैं तो आप अपना अंगूठा का निशान एक यहाँ दे दो, दूसरा एक यहाँ दे दो, आपका काम हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि ये भरो या मत भरो कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे दो सिग्नेचर करना जरूर। एंड यहाँ पे आगे में इस तरह से पूरा फॉर्म को भरना, तो देख सकते हैं कि इस फॉर्म को हमने सक्सेसफुली जो है कंप्लीट फॉर्म को भर दिया है। तो देखा गाइस कितना ईजी और कितना सिंपल था इस फॉर्म को फिल करना। आई होप कि आप जो है सीख गए होंगे आपके किस तरीके से प्रॉपर तरीके से जो है फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं बिना गलती के, है ना। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, सजेशन या फिर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कर देना, 100% ट्राई करूंगा आपके कमेंट का रिप्लाई करने का। और अगर आपको कोई जेन्युइन सवाल हुआ तो आपके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आ जाऊंगा, सिर्फ आपके लिए। यहां पे दो वीडियो का लिंक दे रहा हूं, जो भी आपको पसंद उस पर क्लिक करो एंड एंजॉय करो।